बच्चों चलो हम अपने पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। साहस, साहस का मतलब होता है हिम्मत। संतुलित मतलब बराबर। बर्बाद यानी कि नुकसान। मुद्रा यानी कि स्थिति। विनाश मतलब सब कुछ खत्म होना। डाटा मतलब फटकारना। रेगिस्तान मतलब रेतीला इलाका। पर्यावरण मतलब वातावरण। लुप्त मतलब समाप्त। श्रुत लेख हेतु संतुलित बर्बाद विनाश पर्यावरण रेगिस्तान लुप्त मुद्रा मांसाहारी आवश्यकता। मौखिक प्रश्नों के उत्तर। मयंक और विनय क्या करते हुए जा रहे थे? तो मयंक और विनय हंसते खेलते फूल तोड़ते हुए जा रहे थे। दोनों डरकर क्यों रुक गए? अचानक कोई जोर से चिल्लाया, ठहरो। ये सुनकर दोनों डर कर रुक गए। उस अनजान ने विनय और मयंक को अपना परिचय किस प्रकार दिया? उस अनजान ने अपने आप को पर्यावरण कहकर अपना परिचय दिया। कोई भी चीज़ घातक कब हो जाती है? यदि एक ही चीज़ लगातार बढ़ती या कम होती रहे तो वह घातक हो जाती है। लिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सब जगह पानी ही पानी हो जाए तो क्या होगा? सब जगह पानी ही पानी हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी और सब कुछ पानी में डूब जाएगा। यदि सब जगह पेड़ पौधे हो जाएं तो क्या होगा? यदि सब जगह पेड़ पौधे ही हो जाएं तो धरती जंगल बन जाएगी और धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। मयंक और विनय क्या सुनकर खुश हो गए? पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करके मयंक और विनय खुश हो गए। पर्यावरण मनुष्य जाति से दोस्ती करना क्यों चाहता है? पर्यावरण मनुष्य जाति से दोस्ती करके हवा पानी जल जीव जंतु सब में संतुलन बनाना चाहता है ताकि धरती पर खुशहाली रहे। दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। मयंक और विनय को पर्यावरण के बारे में किसने बताया था? पर्यावरण ने। लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसको काट रहे हैं? जंगलों को। पर्यावरण क्या चाहता है? धरती को हरा भरा रखना। पूरी मानव जाति को मिलकर पर्यावरण को बचाना चाहिए। सर्वनाम शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। पर्यावरण ने कहा, मैं आपका दोस्त हूँ। दोनों काफी खुश थे, मतलब वे दोनों काफी खुश थे। मेज पर किताब रखी है मेरी। जंगल में रहना कठिन होगा हमारा। नाम तो कई बार सुना है आपका। दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। शिक्षिका शिक्षिका। सेवक का सेविका। बैल का गाय। राजा का रानी। शेर का शेरनी। श्रीमान का श्रीमती। एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाए तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। जैसे चलते चलते। अब आप नीचे दिए शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। धीरे 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 सब जंगल नष्ट हो जाएंगे। तड़प तड़प पानी बिना सभी मछलियाँ तड़प तड़प कर मर गईं। जल्दी 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 खाना मत खाओ। पढ़िए समझिए और सही विराम चिन्ह लगाइए। पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, अल्प विराम, विस्मय बोधक। सब जीव जंतु प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। पूर्ण विराम, आप कौन हैं? प्रश्न सूचक, इसलिए खरगोश। अल्प विराम, भेड़। अल्प विराम, बकरी। अल्प विराम, गाय। अल्प विराम,
और भैंस आदि ऐसे जीव हैं जो घास चरते रहते हैं। विस्मय बोधक, अरे हमने तो आपका नाम कई बार सुना है।